स्वागत है आपका स्वतंत्र एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा। बुलेटिन की शुरुआत राजधानी रायपुर के साथ जहां से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री निवास में भी अब कोरोना ने दस्तक दे दी है। मुख्यमंत्री निवास में तैनात सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिला है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक जो सुरक्षाकर्मी संक्रमित मिला है उसकी ड्यूटी निवास के मुख्य द्वार पर होती है। इसके बाद मुख्यमंत्री निवास में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। वहीं संक्रमित पाए गए सुरक्षाकर्मी के सीधे संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। मुख्यमंत्री आवास को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। यही है रायपुर सहित प्रदेश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एहतियात बरतने की बात कही जा रही है। इस वक्त हम राजधानी रायपुर में मौजूद हैं, सीएम हाउस के सामने हैं, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, यानी सीएम हाउस में भी कोरोना दस्तक दे दिया है। ये दृश्य मैं दिखा दूं कि ये गेट, जब से कोरोना लॉकडाउन हुआ था ये गेट को बंद कर दिया गया था। अभी भी जो मेन गेट है वो बंद ही है, लेकिन जो इसके बाजू वाला गेट है उसको आनन फानन में खोला गया है। जैसे ही उनको सूचना मिली कि सीएम हाउस का एक सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिला है, तो यहाँ वाहन को आने जाने के लिए ये खुला है। चूंकि मैं बता दूं कि ये गेट के सामने हिस्से से ही नगर निगम है और इधर स्वास्थ्य हमला है और यहीं जितने कोविड हॉस्पिटल हैं जैसे मेकाहारा है और एम्स है, तो यहाँ से जो गाड़ियां यहाँ पे आ रही हैं रिकवरी के लिए या सैनिटाइज करने के लिए, आज जो पुलिस टीम जो सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो इस तरह की इसीलिए आनंद फानंद में गेट को खोला गया। और अंदर जैसे ही सूचना मिली उसके बाद निगम अमला भी अंदर मौजूद है और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है उसको ले जाने के लिए कोशिश की जाएगी। और ये जो उनके ये निकाला जा रहा है प्राइमरी कॉन्टेक्ट में कौन कौन है, इस तरह के लगातार जो है हेल्थ विभाग की एडवाइजरी के अनुरूप कार्य जारी है। अब ये सीएम हाउस में कोरोना मरीज मिलने के बाद एहतियात जारी किया गया है और लोगों को कहा जा रहा है कि संभल के रहें, सावधानी से रहें। कैमरामैन नागलकर के साथ सत्यराजपुर स्वराज एक्सप्रेस रायपुर।